भाई बच्चों, चलिए आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? व्युमन न्यूमैन, जे एस किल्वी, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो आपके स्क्रीन पर, इसको आंसर करें। करें सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एट्रियस, एनिएक या टेंडी या नेबोला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी एनिएक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर थ्री आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1949, 1950 या फिर 1947। तो हमारा यहाँ पे आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1946। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है फोर आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955 या फिर 1960। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1960, यानी 1960 के दशक में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और महान क्रांति हुआ, यानी कि 1960 से ज़्यादा कंप्यूटर यूज होने लग गए। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि संगणक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छः, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर को। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, आंसर करें। कह रहे सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू या वोल्फरा। तो गूगल एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है, बैडू भी सर्च इंजन है, आपका जो अल्फ्रा ये सर्च इंजन नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वोल्फर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ठीक है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी के सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करें। करें 1 किलोबाइट के भी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे 1 मेगाबाइट यानी MB बराबर कितने KB होता है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1024 KB, यानी 1024 KB बराबर होता है 1 MB। ठीक है, 1024 बराबर 1 MB होता है। ठीक, अगला देखिए, कह रहे 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट को शॉर्टकट में GB बोला जाता है। क्या बोला जाता है? GB। और 1024 KB बराबर होता है 1 GB, 1024 यानी कि 1024 बराबर होता है 1 GB। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते होते हैं, यानी IC जो बने रहते हैं वो किस चीज़ के बने रहते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन से हमारे IC चिप्स बने होते हैं। ठीक है, और बेंगलुरु में ज़्यादा बनते हैं, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के भी नाम से जाना जाता है। अगला है, इंटरनेट के पते पे में पद HTTP का सही विस्तृत क्या है? यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा लोगो। ठीक है,